हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीषा की रसोई में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैम केक की रेसिपी। बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां और बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है घर पर रहकर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है बच्चों के लिए आज जैम केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे आज का जैम केक। जैम केक बनाने के लिए पहले सबसे पहले लेंगे हम एक गिलास, हमने दूध लिया है, छोटा गिलास लिया है दूध का, ये लेंगे, ये डालेंगे एक बर्तन के अंदर। एक चम्मच लिया है हमने नींबू का रस, और दोनों चीज़ को अच्छे से करना है हमें मिक्स। अब लेंगे हम एक कटोरी लिया है हमने रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें जो भी चीज़ ले सकते हैं बनाने के लिए। तो इन तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी लेंगे और इसमें हमें डाल लिया मैदा, एक कटोरी हमने मैदा यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से छान लेंगे मैदा को, ये छान लिए हमने मैदा अच्छे से। अब लेंगे हम एक कटोरी, हम लेंगे पीसी हुई चीनी, और मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, जिस जैसे भी आपको रखना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है हमें, कम से कम 5 मिनट तक आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब लिया हमने आधी चम्मच, हमने लिया है बेकिंग सोडा, ये भी डालेंगे इसके अंदर और इसको भी करेंगे मिक्स। आधी चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, और सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी, और बैटर हमारा बन चुका है अच्छे से, इसको साइड में रख देंगे। अब केक के लिए करना है हमें बर्तन तैयार, तो उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उस पर ऑयल लगा लेंगे, और केक की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है चॉकलेट केक की, उसी प्रोसेस से हमें बनाना है, बस हम यहाँ पर जैम केक बना रहे हैं, चॉकलेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया है, और मैदा अच्छे से इसके ऊपर लगा देनी है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे भी हमारा केक अच्छे से बेक हो जाएगा। ये जो हमारा बैटर है, इसमें से हमें आधा लेना है केक के लिए, और आधा हम रख देंगे, आधे का हम दोबारा से केक बनाएंगे, उससे हम करेंगे केक को डेकोरेट। तो देखिए, इतना लिया है हमने, अच्छे से घुमाएंगे पहले। अभी हमें इसमें और डालना है थोड़ा सा बैटर, थोड़ा सा और डालेंगे, 2 से 3 चम्मच और यूज़ करेंगे बस, और इसको बाकी के बैटर को हम रख देंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे टैप, अच्छे से घुमा लेंगे चारों तरफ, अच्छे से घुमाकर इस तरीके से करना है हमें। अब केक के लिए करना है हमें बर्तन तैयार, इसको कर लेंगे 5 मिनट के लिए गरम, और एक टूथपिक की सहायता से हम इसके चारों तरफ राउंड कर देंगे, इससे जो हमारा केक है ऊपर की तरफ नहीं उभरता है, और केक अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से कर लिया है, और बर्तन भी हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर रख देंगे केक को बेक होने के लिए, और 20 से 25 मिनट में हमारा केक बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप ढक के रख दें मीडियम आंच पर। 20 मिनट हो गई है, हमारा केक अच्छे से बन चुका है, ये देखिए कितना अच्छा बना है ये केक हमारा। और एक चाकू की सहायता से आप इसको देख लें, ये देखिए बन चुका है, ये चाकू बिल्कुल साफ निकल रहा है, और इसको हम निकाल लेंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे बर्तन के अंदर से। तो केक हमारा ठंडा हो गया है, और हमने निकाल लिया है बर्तन के अंदर से, इसको रखेंगे साइड में, और जो बाकी का बैटर बचा था हमारा, उसी प्रोसेस से हमें केक बनाएंगे, इसके अंदर दोबारा से डाल देंगे, और इसके अंदर हमें कोई ऑयल या कोई मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर हम ऐसे ही डाल देंगे और ये बन जाएगा। तो केक हमारा बन चुका है, और हम लेंगे एक कटोरी जैम का यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम जैम केक बना रहे हैं, और उसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे जैम, अच्छे से लगा लें आप इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये केक हमारा, और बच्चों को वैसे भी जैम बहुत फेवरेट होता है उनका, तो अच्छे से आप लगा लें इसके। ये जो हमने बाकी के बैटर से केक बनाया था, उसको अच्छे से हमने फोल्ड लिया है, और इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास कोई डेकोरेट की चीज़ें ना हो घर में, तो आप इसी प्रोसेस से केक को सजा सकते हैं, और इससे भी हमारा केक बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में और खाने में भी। और ये लिए हमने मार्केट के बिस्किट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, छोटे छोटे बिस्किट हैं, इससे भी केक हमारा अच्छा लगेगा देखने में, और इससे केक की शान भी बढ़ जाएगी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बिस्किट, और केक हमारा बनके तैयार हो गया है, इतना सुंदर लगा है हमारा केक, और देखने में भी और खाने में भी बड़ा टेस्टी है, और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर अपने, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा ये केक हमारा, और कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट केक बना है, मैं आपको कट करके दिखलाती हूँ। ये देखिए चाकू से इस तरीके से कट हो रहा है बिल्कुल आसान तरीके से, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को बाय बाय।